हेलो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा माइंड यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉमन सेंस डबल मीनिंग की एक और नई वीडियो आप सभी के सामने उपलब्ध है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सामने 3 सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपका पहला सवाल। विश्व की कौन सी नदी सबसे प्रदूषित नदी है? ये क्वेश्चन यहाँ पर जनरल नॉलेज का है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। सोचने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको लिखना पड़ेगा। विश्व की कौन सी नदी सबसे प्रदूषित नदी है? तो अगर आपको मालूम है तो नीचे जल्दी करें, हमें क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप फिर थोड़ा वेट कीजिएगा, यहाँ पर आपको 5 सेकंड के बाद आंसर हम बताएंगे। लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर अपने आंसर से आप हमारे आंसर का मिलान कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें, शेयर भी, और इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नाम ना भूले एक्स्ट्रा माइंड, अभी जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी जरूर लाजमी प्रेस कर लें। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है साइन नदी, यहाँ पर इसका सही जवाब है राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाना अगर आपके पास है तो यार प्लीज़ जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, यहाँ पर आपको 5 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लाइक तो जरूर बनता है, अगर आपको मालूम है तो जल्दी से लाइक करें, नहीं मालूम तब भी लाइक बनता है, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके भी दोस्त अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। तो चलिए यहाँ पर इसका सही जवाब जान लेते हैं। यहाँ पर इसका सही जवाब है मूल संविधान में राज्यों की संख्या 27 है। मूल संविधान में राज्यों की संख्या 27, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इंटरटेनमेंट है, आपको यहाँ पर डबल मीनिंग का क्वेश्चन है, पॉजिटिव ही समझे तभी कुछ फायदा होगा। कुंवारी लड़की कौन सा शब्द नहीं बोल सकती? मुझे उम्मीद है इसका आंसर आपको मालूम होगा, कुंवारी लड़की कौन सा शब्द नहीं बोल सकती। अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर टाइप करके जरूर बताएं, और अगर आपको मालूम नहीं है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने किसी भी फ्रेंड से, किसी भी दोस्त से आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे, अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक मैं इतनी बार बोल देता हूँ भैया, लाइक जरूर करिए करो, और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कोई आपका चार्ज नहीं लगता, तो सब्सक्राइब करने से केवल ये होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा नई वीडियो देखने के लिए। चलिए यहाँ पर इसका सही जवाब जान लेते हैं, सासू माँ। कुंवारी लड़की ये शब्द नहीं बोल सकती, यहाँ पर सासू माँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और रोज़ाना इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।